भारतीय नोट पर आरबीआई क्यों लिखती है वचन? क्या है उसका गवर्नर से कनेक्शन? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मुद्रा यानी उसकी रुपए की अहमियत बहुत होती है, और यही वजह है कि उस देश की सरकार ये पक्के तौर पर सुनिश्चित करती है कि बाजारों में नोटों की कमी ना हो, और इसके लिए नोटों को बाजार में उतारा जाता है। वहीं भारत की बात करें तो जब भारत के नोट बाजार में उतारे जाते हैं तो उन पर एक वचन लिखा होता है। हो सकता है कि इस वचन को आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जिसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, और फिर नीचे देश के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वचन को लिखने के पीछे का क्या कारण होता है? तो आपको बता दें कि किसी भी देश में नोट इस तरह से छापे जाते हैं कि उनकी प्रतिलिपि बनाकर नकली नोट चलाना बहुत ही मुश्किल हो, नहीं तो बाजार में नकली नोट पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकते हैं। इसके लिए नोट जारी करने वाला सरकार को केंद्रीय बैंक, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कई तरह के तरीके और संकेतों का उपयोग करता है, जिससे नोट की हूबहू नकल बनाना नामुमकिन बन सके। इसके लिए खास तरह के कागज और स्याही के अलावा से लेकर नोट में खास तरह का धागा, चमकीले रंग, बदलती पट्टी, बहुत ही जटिल डिजाइन को नोट की छपाई में शामिल किया जाता है, जिससे कि न केवल नकली नोट बनाना असंभव हो जाए बल्कि असली और नकली की पहचान करना आसानी से संभव हो सके। लेकिन भारत के नोटों पर जिन्हें जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, एक खास वाक्य भी लिखा है। 100 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसी तरह इस अलग अलग नोटों में उसके मूल्य की संख्या का नाम बदला रहता है, बाकी वाक्य यही रहता है, और इस नोट के नीचे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस वाक्य का अर्थ इस बात की पुष्टि करता है कि उस कागज के टुकड़े का वास्तविक मूल्य की पुष्टि खुद रिजर्व बैंक का गवर्नर कर रहा है, और इस बात की गारंटी होती है कि बैंक के पास उसी मूल्य का सोना संचित रखा है, और नोट का मतलब यही है कि उसके पास उसी सोने का उतना ही मूल्य है। वास्तव में ये नोट की कीमत दर्शाने की पुष्टि वाक्य होता है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर इस बात की वैधता को दर्शाते हैं कि ये हस्ताक्षर उसी गवर्नर के होते हैं जिसके कार्यकाल में नोट जारी होता है। यानी अगर आपको पता है कि उस गवर्नर का कार्यकाल कब से कब तक था, आपको पता चल सकता है कि अमुक नोट किस काल में जारी हुआ था। वैसे आजकल के नोटों पर उनके जारी होने वाले का वर्ष भी लिखा होता है। इसके अलावा हर नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत और अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा होता है। यानी एक तरह से नोट के मूल्य की गारंटी केंद्र सरकार की तरफ से भी होती है। सारी बातें और सारे संकेत नोट को सामान्य कागज से एक विशेष कागज यानी कि मुद्रा में बदल देती है, जो पहले केवल सिक्कों के साथ होता था। कम लोगों ने ध्यान दिया है कि हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। एक रुपए के नोट की कहानी अलग होती है। इस नोट पर रिजर्व बैंक का नाम नहीं होता है, और इसे जारी भी रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। इस नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आजकल इस तरह के नोट छपना बंद हो गए हैं, लेकिन वो चलन से बाहर बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।